का एक जिले का जो है रिपोर्ट कार्ड है, इसमें पिछले 5 साल का जो है कंपैरिजन किया गया है। मुख्य शीर्ष में जो घटनाएं हुई हैं, हत्या की घटना अगर लिया जाए तो लगभग 25% जो है इस बार कम घटनाएं जो है दर्ज हुई हैं इस साल, पिछले साल की तुलना में अगर किया जाए तो। और प्री कोविड जो साल है, कोविड से पहले का अगर साल को लिया जाए तो उससे जो है हम लोग का काफ़ी ज़्यादा जो है 35% के लगभग जो है घटनाएं कम हुई हैं। 392-395 की घटनाएं अगर लिया जाए तो इसमें भी लगभग 10-15% जो है गिरावट आई है। एक गृहवेदन की घटना जो है इसमें लगभग 50% अगर प्री कोविड पीरियड को अगर जोड़ा जाए तो इसमें कमी आई है। जो दंगा की घटनाएं हैं ये काफ़ी कम हुई हैं, पिछले साल की तुलना में 50% है और प्री कोविड पीरियड की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले 181 2018 में है, 2019 में 108 है, 2022 में मात्र 25 घटना हुई है दंगा। ये जो दुष्कर्म की जो घटना है अगर पिछले साल तुलना में अगर कंपेयर किया जाए तो 10% का कमी है, और प्री कोविड पीरियड से अगर इसकी तुलना की जाए तो लगभग 1/3 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। इसमें गिरफ्तारी की जो बात है, गिरफ्तारी जो है अगर पिछले साल की तुलना में अगर कंपेयर किया जाए तो 100% जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जो है 4,661 गिरफ्तारी हुई थी, 2022 में 9,805 गिरफ्तारियां हुई हैं टोटल। अगर प्री कोविड पीरियड लिया जाए 2018 में 7,162, 2019 में 6,910, और काफ़ी ज़्यादा जो है गिरफ्तारी जो है इस साल बढ़ी है। शराबबंदी के में अगर हम लोग कार्रवाई की बात देखें तो गिरफ्तारी जो है शराबबंदी में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है इस साल में। ये डेटा है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जब्त वाहन जो है, जो वाहन जो जब्त हो रहे हैं उसकी संख्या काफ़ी बढ़ी है, और शराब की जो बरामदगी है वो 2021 से थोड़ा कम है पर 18-19-20 से बहुत ज़्यादा है। तो इससे एक कंक्लूज़न जो है निकाला जा सकता है कि जो बाहर से जो सप्लाई है वो जो है कहीं ना कहीं रुका है, क्योंकि जो गिरफ्तारी है वो 100% जो है इसका हम लोग का बढ़ा है। जैसे पिछले साल जो है 1787 गिरफ्तारी थी शराबबंदी में, तो इस साल जो है 30 तारीख तक मतलब कल तक 4,382 मतलब मोर देन 100% जो है इसमें बढ़ोतरी जो है हुई है। वाहन जब्त भी जो है इसमें बढ़ा है। डिटेक्शन की बात करें तो आप सभी लोग हर घटना को फॉलो करते हैं। हत्या के मामले में 2022 में जो एक घटना है जो कि अज्ञात जो है डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, उसमें जो है हम लोग को एंगल मिला था और उसमें जो है हम लोग एकमात्र घटना है जो कि हम लोग को सफलता नहीं मिली, बाकी जितने घटनाएं उसमें हो गई हैं। अगर 392 की बात करें तो इसमें 2 घटनाएं हैं जो डिटेक्ट नहीं हुई हैं, बाकी जो है टोटल घटनाएं जो हैं इसमें डिटेक्टेड हैं। गिरफ्तारी भी है, बरामदगी है। अगर दुष्कर्म की बात करें तो इसमें 100% जो है हम लोग की गिरफ्तारी हुई है। अब है किया जाएगा जिला पुलिस के द्वारा, पुलिस आपके द्वार, उसमें जो है हर गाँव में हर थाने में हम लोग जो है वीक में जो है एक बार जाएंगे। शेड्यूल जो है फिक्स किया गया है, पूरी टीम मेरी रहेगी वहाँ पर, जो भी समस्या है वहाँ पे ऑन स्पॉट निपटारा हम लोग करेंगे। और अगर कोई जांच की भी बात है तो उसको हम लोग 1 वीक का समय देकर उसको भी निपटारा हम लोग 1 सप्ताह के अंदर करेंगे। कुछ समस्याएं रहती हैं ज़मीन विवाद की, उसमें जो थाना में जो पंजी है, जमीन विवाद संबंधित पंजी है,
जो कि अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष दोनों उसका जो है देख रेख करते हैं। तो उस पंजी को भी जो है हम लोग निरीक्षण करेंगे, उसको बारीकी से हम लोग देखेंगे और जो भी उसमें सुनवाई हुई है उसका भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। ईयर जो है हम लोग कैसे पुलिसिंग को और बेहतर करेंगे, इसमें सबसे पहला है कि शराबबंदी जो है उसको हम लोग फोकस करेंगे, जो सप्लायर है उसकी गिरफ्तारी को और ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे, जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि गाड़ी का संख्या बढ़ रहा है, गिरफ्तारी भी बढ़ रही है और शराब जो है थोड़ा सा पिछले साल की तुलना में कम बरामद हुई है। मतलब हम लोग की रेड छापामारी जो है बहुत बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं बाहर से जो है वो कम हुआ है, लेकिन हम लोग अब सप्लायर को फोकस करेंगे, जो लोग बनाते हैं उनकी गिरफ्तारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब हम लोग फोकस करेंगे, क्वालिटी अरेस्टिंग पे हम लोग ध्यान देंगे ताकि सप्लाई जो है वो बंद हो। दूसरा जो है इस बार जो है फोकस हम लोग करेंगे जो इनक्रोचमेंट है उसको, ट्रैफिक को जो है थोड़ा और हम लोग बेहतर करेंगे। देखिए आप लोग भी देख रहे हैं कि शहर का जो वो है सड़क है वो कांस्टेंट है, पर नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ा है, दुकानें बढ़ी हैं, जनसंख्या बढ़ी है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, ट्रैफिक पुलिस को और सशक्त करेंगे हम लोग, और इनक्रोचमेंट जो है हम लोग हटाएंगे और सभी के सहयोग से, जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सहयोग से और प्रशासन पुलिस जो है इस पर हम लोग फोकस करेंगे। कांड हुए थे संजीव मिश्रा, हाँ उसमें जो है मोहन ठाकुर की, इसमें जो है दो हमारा जो चैलेंज था, इसमें जो घटना हुई थी तेलता ओपी में जो हुई थी और एक घटना हुई थी बरारी में, तो इसमें हम लोग को जो संजीव मिश्रा जो हत्याकांड हुई थी उसमें जो मेन एक्यूज है उनकी कुर्की करके हम लोगों ने इनाम के लिए हम लोगों ने उसको भेज दिया है। अब उस पर जो है इनाम जल्द ही जो है उस पर घोषित हो जाएगा और उसको जल्द ही जो है हम लोग पकड़ लेंगे। ये जो घटना हुई है बरारी की, इस पर प्रतिदिन जो है मॉनिटरिंग हो रही है, 8 लोग अभी तक गिरफ्तार हैं और होपफुली जो है बहुत जल्द जो है हम लोग इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे।